दोस्तों, इस वीडियो में हम सोल लैंड 2 के आगे की कहानी को कंटिन्यू करने वाले हैं, इसीलिए वीडियो के एंड तक बने रहना। अगर आपने अभी तक इसके पहले पार्ट को नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक को कमेंट बॉक्स में पिन किया है, इसलिए उसे भी एक बार जरूर देख लेना। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें अरीना का सीन दिखाते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि 97% लोग वु फंग को सपोर्ट कर रहे थे, जबकि सिर्फ 3% लोग ही हुआ युहाओ को सपोर्ट कर रहे हैं। इसी वजह से वु फंग तो और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट में आ जाती है। वो यहाँ सबसे पहले आगे बढ़ते हुआ युहाओ पर हमला करना शुरू कर देती है, जहाँ हुआ युहाओ काफी ज्यादा मुश्किल के साथ उसके अटैक को डॉच करते हुए खुद को बचता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि वु फंग ने अपने फायर पावर्स का इस्तेमाल करते हुए युहाओ को ऊपर से नीचे गिरा देती है, तो ये देखकर सीओ युहाओ के लिए बहुत ही परेशान होने लगती है। लेकिन वोंगडोंग उससे कहता है, कोई बात नहीं, हुआ युहाओ पर भरोसा रखो। जबकि साथ ही हम लोग देखते हैं कि वु फंग भी यहाँ नीचे आ गई थी। वो युहाओ की तरफ देखते हुए कहती है, तुम्हारे लिए तो मुझे किसी भी मार्शल सोल टेक्निक को एक्टिवेट नहीं करना पड़ेगा, मैं तो सिर्फ अपने हाथों का इस्तेमाल करके ही तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ दूंगी। और यह कहते साथ ही वो अपने फ्लेम पंच का इस्तेमाल करते हुए तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए युहाओ पर हमला करने की कोशिश करती है, जिसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर युहाओ ने भी अपने सोल डायरेक्शन टेक्निक को एक्टिवेट करता है, इसलिए वो यहाँ पर वु फैंग के अटैक्स को डॉज करता है। जबकि इस फाइट को बाहर से खड़ी जो देखकर अपने मन में कहती है, वु फंग ने कुछ 11 ही युहाओ को अंडर एस्टिमेट कर लिया, और यहाँ मैदान में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। हम देखते हैं कि युहाओ ने अपने शेडो डांसिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके तेजी से पीछे आते हुए वु फंग के हाथ को पकड़कर उसे साइड पर कर दिया। साथ ही साथ उसने तेजी के साथ अपने ड्रैगन क्ला टेक्निक का इस्तेमाल करके उसे जोरों से हिट भी कर दिया था, जिसकी वजह से वु फंग को चोट लग जाती है। ये देखकर तो आसपास के लोग शॉक हो जाते हैं। डाई हुबिन हैरान होते हुए कहता है, ये तो वही टेक्निक है जिसका इस्तेमाल करके युहाओ ने पहले मुझ पर हमला किया था। जबकि जो को ये देखकर अपने मन में खुशी हो रही थी, वो कहती है कि वु फंग का ओवर कॉन्फिडेंट उस पर भारी पड़ गया, युहाओ इसी चीज का फायदा उठा रहा है। जबकि दूसरी तरफ वु फंग को भी युहाओ की हिट खाने की वजह से बहुत ही गुस्सा आ जाता है, और वह शर्म के मारे गुस्से के साथ अपनी फायर पावर एक्टिवेट करते हुए कहती है, कमीने इंसान, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। और यह कहते ही यह अपने फर्स्ट मार्शल सोल फायर ऑफ ड्रैगन टेक्निक को एक्टिवेट करती है, जिसके बाद वो तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए युहाओ पर हमला करना शुरू कर देती है। यहाँ ये सब करते हुए वु फंग काफी ज्यादा गुस्से में लग रही थी, जबकि युहाओ उसके हमलों को डॉज करने की कोशिश कर रहा था, पर इसके बावजूद भी युहाओ को धीरे धीरे चोट लग रही थी। सब लोग ही यहाँ का ये नजारा देखकर समझ गए थे कि वु फंग अब सीरियस हो गई है। वो फाइनल अटैक्स करके युहाओ को खत्म करना चाहती है, और यहाँ मैदान में हो भी ऐसा ही रहा था। हम देखते हैं कि वु फंग ने अपने सेकंड मार्शल सोल टेक्निक राइज ऑफ ड्रैगन को एक्टिवेट करती है, और यह करते ही वु फंग का ड्रैगन तेजी के साथ अपना पंजा जमीन पर मारता है, जिसके आग से युहाओ जलता हुआ सीधा पीछे आकर गिरता है। हुआ युहाओ खुद को उस फायर ड्रैगन के आग से बचाने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन धीरे धीरे उसे चोट लगती जा रही थी। जबकि वु फंग भी यहाँ पर रुकती नहीं, वो भी तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए बैक टू बैक युहाओ पर हमले करते जा रही होती है। साथ ही साथ वो युहाओ से कहती है, जब तक तुम क्लास 1 में हो मैं चैन से नहीं बैठूंगी, तुम्हें हर हाल में श्रेक एकेडमी को छोड़कर जाना होगा। यहाँ कहते वो युहाओ को एक जोरदार पंच लगा देती है, जबकि युहाओ ने भी लास्ट मोमेंट पर अपने सोल शॉक अटैक का इस्तेमाल करता है। यहाँ इन दोनों के अटैक्स के टकराने की वजह से हमें जानने को मिलता है कि हुआ युहाओ का सोल शॉक ज्यादा पावरफुल नहीं था, इसलिए वु फंग को उसका ज्यादा असर नहीं हो पाता, जो को यहाँ देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो अपने मन में कहती है, इन दोनों का पावर लेवल डिफरेंस बहुत ज्यादा है। यहाँ मैदान में हम देखते हैं कि वु फंग युहाओ को पंच लगाते हुए कहती है, चलो बी, अब हार मान लो, तुम नहीं जीत सकते। लेकिन युहाओ इस पर रिप्लाई करते हुए कहता है, अभी तो ये खेल शुरू हुआ है। जिस पर वु फंग पीछे की तरफ आते हुए उसे देखकर हैरान होते हुए कहती है, आखिर तुम्हें क्या हो गया। हम देखते हैं कि हुआ युहाओ की बॉडी से अचानक ही ब्लैक कलर की स्पिरिचुअल पावर निकलना शुरू हो जाती है, साथ ही साथ उसकी आंखों का कलर भी चेंज होकर ब्लैक होने लगती है, जिन आंखों को देखकर वु फंग तो अचानक ही खौफ में आ चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर ये सब हो क्या रहा है, मैं अपनी जगह से हिल क्यों नहीं पा रही। साथ ही आसपास की जगह में इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर फैल जाने की वजह से लोग भी कुछ सही से देख नहीं पा रहे थे। वो लोग हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिर वु फंग अपनी जगह पर रुक क्यों गई, वो आगे बढ़कर अपना आखिरी अटैक करके युहाओ को हरा क्यों नहीं रही। वो लोग यहाँ पर इसी तरह के सवाल कर रहे थे, लेकिन उन लोगों को क्या मालूम कि वु फंग के दिल में खौफ बैठ गया, उसकी तो हालत ही खराब हो चुकी है।
जो यहाँ पर अचानक से अरीना के मौसम को खराब होता हुआ देखकर परेशान होते हुए कहती है, आखिर ये सब चल क्या रहा है। जबकि जो ने भी उस पावर को महसूस कर लिया होता है वो कहती है कि यहाँ तो किसी एसियंट कोल गॉड की पावर है। क्या यहाँ पावर युहाओ की बॉडी से आ रही है? ऐसा तो बिल्कुल मुमकिन नहीं। साथ ही धीरे धीरे हम देखते हैं कि युहाओ का ऑरा भी ज्यादा खौफनाक होता जा रहा था, जो देखकर बाहर बैठी कुछ लड़कियां वू फंग से कहते हैं फौरन वहां से हट जाओ। जबकि वॉन्ग डोंग युहाओ से कह रहा था कि आगे बढ़कर काउंटर अटैक करो, यहां तुम्हारे पास अच्छा मौका है। वू फंग यहां पर इन लोगों की बातें सुन रही थी, लेकिन फिर भी वो अपनी जगह से मूव नहीं कर पा रही थी। वो डरी हुई आवाज में कहती है, प्लीज मुझे जाने दो। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कि युहाओ का खुद पर अब काबू नहीं रहा। वह अपना हाथ हवा में उठाकर फौरन अपने सोल शोक टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी पावर इस बार बहुत ही ज्यादा थी। इस अटैक की चपेट में आते साथ ही हम देखते हैं कि वू फंग के मुंह से खून निकल आ गया था और वो सीधा जमीन पर जाते साथ ही नॉक आउट हो जाती है, जबकि गिरने से पहले उसकी आंखों का रंग भी बदल चुका था। युहाओ यहाँ पर यहाँ सब करते हुए बहुत ही ज्यादा कूल दिखाई दे रहा था, लेकिन वू फंग के हारते साथ ही सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो जाता है। जहाँ युहाओ होश में आने के बाद स्काई ड्रीम से पूछता है, स्काई ड्रीम क्या यहाँ सब कुछ तुमने किया? जिस पर स्काई ड्रीम जवाब देते हुए कहता है, नहीं यह मैंने नहीं किया। तुम्हारी बॉडी के अंदर मुझे एक गॉड की कॉन्शियस देखने को मिली जो कि यहाँ सब कर रही थी। युहाओ यहाँ उन लोगों की यह बातें सुन रहा था, जबकि साथ ही साथ हमें देखने को मिलता है कि फाइट की वजह से उसकी भी हालत खराब हो चुकी थी, वह भी कमजोर हो चुका है। यहाँ युहाओ इससे पहले कि वॉन्गडोम तक पहुँच पाता वो रास्ते में ही बेहोश हो जाता है, जहाँ वॉन्गडोम उसे फौरन पकड़ लेता है। साथ ही वो सीओ से कहता है, मुझे युहाओ की हालत ठीक नहीं लग रही, हमें इसे उठाकर वापस अपने रूम लेकर जाना चाहिए। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन शाम का दिखाया जाता है, जहां युहाओ अपने रूम में लेटा हुआ था। उसकी हालत सच में कुछ खास ठीक नहीं लग रही थी, पर तभी अचानक युहाओ अपनी सोल स्पेस में पहुंच जाता है, जहां पर वह देखता है कि स्काई ड्रीम किसी से बात करते हुए कह रहा था कि आखिर तुम यहां पर क्या कर रहे हो, कहीं तुम मेरे इस इलाके को मुझसे छीनने की कोशिश तो नहीं करना चाहते हो। जिस पर वो सोल जवाब देते हुए कहती है, भला मैं तुमसे तुम्हारे इलाके को छीनने की कोशिश क्यों करूंगा, वैसे भी बस तुम एक कीड़े ही तो हो। युहाओ यहाँ पर उस सोल की यह बातें सुनकर अचानक से याद करते हुए कहता है, मैंने इसकी आवाज पहले भी कहीं सुनी थी। और दोस्तों ये तब की बात है जब युहाओ वॉन्गडोम को अपने पास्ट के बारे में बता रहा था, तभी अचानक युहाओ ने किसी की आवाज सुनी थी, वो किसी और की नहीं बल्कि इसी सोल की थी। यहाँ युहाओ ये सब सोच रहा था, जबकि दूसरी तरफ स्काई ड्रीम सोल के सामने हीरो बनते हुए कहता है, मैं बेशक एक कीड़ा होगा लेकिन देखो तुम मेरे सामने होशियारी नहीं कर सकते। जिस पर वो सोल अपनी पावर्स एक्टिवेट करते हुए कहती है, हाँ मैं एक सोल हूँ लेकिन फिर भी तुम मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते। स्काई ड्रीम तो उसके ये खतरनाक ऑरा को देखकर सच में ही डर के मारे फौरन यहाँ युहाओ के पीछे आकर छुप जाता है। युहाओ यहाँ पर यहाँ सब चलता हुआ देख रहा था। वो सोल से पूछता है, वैसे तुम आखिर मेरे सोल कॉन्शियस में कर क्या रहे हो, तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम इस दुनिया से बिलोंग करते हो। जिस पर वो सोल बताती है कि हाँ मेरा नाम है एलाइक और मैं सच में इस दुनिया से बिलोंग नहीं करता, मुझे अपने पास्ट की सारी मेमोरीज याद नहीं, मुझे बस इतना याद है कि मैं किसी तरह से मरने वाला था, जहां मुझे अपनी सोल को बॉडी से निकालकर बाहर भेजना पड़ा। मेरी सोल इस दुनिया में यूं ही चारों तरफ बढ़की जा रही थी, तभी अचानक मैंने जंगल में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा महसूस किया, जहां पर मैंने देखा कि एक कीड़ा तुम्हारी बॉडी में मर्ज होने की कोशिश कर रहा है। यहाँ एनर्जी उस वक्त इतनी ज्यादा थी कि मेरी सोल खुद ही अट्रैक्ट होकर तुम्हारी बॉडी में आ गई। जो सुनकर युहाओ कहता है, हाँ वो सब तो ठीक है लेकिन अभी तक तुम यहाँ पर क्यों हो? जिस पर ग्रे बॉल कहता है, घबराने की कोई बात नहीं, तुम्हें लेकर मेरे इरादे बिल्कुल भी बुरे नहीं है। मैं फिलहाल यहाँ से नहीं जा सकता क्योंकि मेरी सोल बहुत ही कमजोर है, मुझे रिकवरी की जरूरत पड़ेगी। साथ ही ग्रे बॉल हुआ युहाओ को बताता है कि मैंने तुम्हारे दिल के अंदर जाकर देखा, जहाँ पर बहुत ही ज्यादा दुख भरा पड़ा है। तुम्हारे ये सारे दुख देखकर अब मुझसे और ज्यादा रहा नहीं गया, इतने सारे दुख और नफरत को अकेले झेलना कोई आसान काम नहीं। पता नहीं ये सब देखकर मुझे कुछ फैमिलियर फीलिंग आती है, ऐसा लगता है जैसे कि मैं भी कभी तुम्हारे जैसा ही हुआ करता था। और अभी तक मेरे पास मेरे पास्ट की सारी मेमोरीज नहीं है, इसलिए मैं सब कुछ याद नहीं कर पा रहा। सिर्फ मुझे इतना ही याद है कि ये दुख कभी भी तुम्हें सुकून से रहने नहीं देंगे, यह नफरत तुम्हें जलाकर अंधा कर देगी, तुम्हें खुद पर काबू रखना होगा। युहाओ उसकी यह सारी बातें सुनकर एक गहरी सोच में पड़ जाता है, जबकि दूसरी तरफ ग्रे बॉल दोबारा से एक एनर्जी फॉर्म में चला जाता है। दूसरी तरफ स्काई ड्रीम ग्रे बॉल के जाने के बाद कहता है, ओए बाहर निकल, तू आखिर मुझे इग्नोर कैसे कर सकता है, अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कीड़े की ताकत क्या है। ये कहते हुए हम देखते हैं कि स्काई ड्रीम उस सोल पर हमले करने की कोशिश करती है, लेकिन बेचारे का ही सर चकरा जाता है।
योहाव ये देखकर उससे कहता है, शांत हो जाओ स्काई ड्रीम, वो हमारे लिए खतरा नहीं है। लेकिन स्काई ड्रीम खुद के इलाके को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। वो योहाव के पास आते हुए कहता है, तुम काफी कमजोर हो, तुम्हें खुद पर ध्यान देना चाहिए ताकि तुम अपनी कल्टीवेशन को स्ट्रांग कर सको। तुम्हें खुद को इतना ज्यादा स्ट्रांग करना होगा कि तुम इस सोल से ज्यादा हाई लेवल पर पहुंच जाओ, तभी तुम इसको अपनी बॉडी से निकाल पाओगे। हम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते, बेशक यह अभी तुम्हारी बॉडी पर कब्जा करने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन फ्यूचर के बारे में क्या ही भरोसा, क्या पता ये तब क्या करेगा। योहाव स्काई ड्रीम की यह सारी बातें सुनकर कहता है, अच्छा अब ये बताओ कि आखिर मुझे इस आदमी के लेवल तक पहुंचने के लिए कब तक कल्टीवेशन करनी होगी। जो सुनकर स्काई ड्रीम थोड़ा सा उदास होते हुए कहता है, मैं तुम्हारा साथ दो तो यकीन मानो तुम 1000 साल में इनकी लेवल तक तो पहुंच ही जाओगे। योहाव बेचारा तो यहाँ पर 3000 साल का सुनकर पहले ही निराश हो जाता है। तभी अचानक स्काई ड्रीम योहाव से कहता है कि यह सब तो बात की बातें हैं, अभी अगर तुम फौरन अपनी नींद से नहीं उठे तो टीचर जो तुम्हें अपनी क्लास से एक्सपेल कर देगी। जो सुनकर हम देखते हैं कि अचानक हुआ योहाव होश में आ जाता है, जहाँ योहाव उठते साथ ही देखता है कि वोंगडोंग परेशान होकर उसके सामने खड़ा था। वो योहाव को देखकर खुश होते कहता है, अच्छा हुआ कि तुम अब ठीक हो, तुम पूरी रात होश में नहीं आए थे, मुझे तुम्हारी काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी। अब क्लास का टाइम हो चुका है, चलो हमें क्लास पहुंचना चाहिए। इनके ये कहने के बाद नेक्स्ट सीन हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है, जहां पर सारे डिसेबल और इवन की टीचर जो भी पहुंच चुकी थी, जो अपने डिसिप्लिन के सामने कहती है, कल का दिन तो हम लोगों का बर्बाद हो गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी ने मेरे डिसीजन के खिलाफ फैसला किया, और अब तो योहाव ने खुद को साबित कर दिया है, इसलिए मैं वोंगडोंग को अपने क्लास का मॉनिटर बना रही हूँ, जबकि हमारा वॉइस मॉनिटर होगा हुआ योहाव। योहाव का ये नाम सुनते साथ ही वहाँ पर मौजूद दाई हुबिन और कुछ और नमूने दोबारा खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हम इस फैसले से बिल्कुल भी एग्री नहीं करते, योहाव अगर चाहता है कि हम उसे मॉनिटर एक्सेप्ट करें तो उसे हमारे साथ भी फाइट करनी होगी। जो सुनकर वोंगडोंग गुस्से के साथ खड़ा हो जाता है और वो उनसे कहता है, ठीक है मैं तुम लोगों के साथ फाइट करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ योहाव और सीओ भी वोंगडोंग का साथ दे देने के लिए अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ भी उनके खिलाफ बहुत सारे डेसिबल्स थे। टीचर जो बेचारी तो परेशान हो गई थी, आखिर ये सब कब तक चलेगा। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। यदि अगर आप